अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असमा धनशेस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द दाल के पकोड़े, जिसके लिए हमें चाहिए 1.5 कप उड़द दाल। इसे हमने 4 घंटे पानी में भिगोकर रखा था और इसमें से इसका पानी अलग कर लिया है। 1 लार्ज अनियन चॉप, 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट खुरचा हुआ खोपरा, 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, सॉल्ट एज रिक्वायर्ड, थोड़ा सा पानी पीसने के लिए यूज़ करें। उड़द दाल के पकोड़े बनाने का मेथड: भिगोई हुई उड़द दाल में हरी मिर्च, अदरक, डेसिकेटेड कोकोनट डाल दें, मिक्स कर लें। उड़द दाल के मिक्सचर को मिक्सर के पॉट में डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल दें, ढक्कन लगाकर मोटा पीस लें। उड़द दाल का मिक्सचर को हमने मोटा पीसा है, अब हम उसे एक डिश में निकाल देंगे। पीसी हुई दाल के मिक्सचर में सॉल्ट, चॉप अनियन ऐड करें, मिक्स कर लें। दाल में अनियन मिक्स हो गया है, अब हम उसे डीप फ्राई कर लेंगे। उड़द दाल के पकोड़े बनाने का मेथड: एक कढ़ाई में ऑयल गरम करके स्पून से पकोड़े ऑयल में डाल दें, इसी तरह सारे पकोड़े बना लें और मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लें। दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने दें। पकोड़ों को टिश्यू पेपर पर निकाल दें, इसी तरह बाकी बचे हुए मिक्सचर के भी पकोड़े फ्राई कर लें। फ्राइड पकोड़ों को चटनी के साथ सर्व करें।